अब ये तस्वीर देख करके मामला तो पता ही चल गया होगा कि देखो भैया पीएम मोदी जी की माता जी 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, हम सबको छोड़कर चली गई। ऐसे मगधा बीजेपी कार्यालय पर सभी नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। सतीश चंद्र शर्मा जी भी थे, भैया राज्य मंत्री हैं, उनके साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष दिख रहे थे, शशांक कुशमेश उनके साथ रामनगर के विधायक दिख रहे थे। यहाँ बाराबंकी जिले भैया जिला बार एसोसिएशन सभागार में भी देख लो, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नयन कुमार वर्मा की अध्यक्षता में तमाम अधिवक्ता लोग शोक सभा का आयोजन किए हुए थे। पीएम मोदी की माता जी को याद कर रहे थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आत्मा को चरणों में स्थान दे। पर फिलहाल दूसरी खबर देख लेते हैं। अब यू गाड़ी का तो कबाड़ा निकल गया भैया, लग रहा था कबाड़ी वाला उठा ले जाएगा। हैरान मत हुई मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के इबगदा प्यारेपुर मोड़ के पास का, जहां पर भैया अनियंत्रित हो गई गाड़ी और खाई में जा गिरी। अब 3 लोग चोटी लोग हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। हमने कहा बता दें आपको, लोग वीडियो बना रहे थे। तीसरी खबर देख लेते हैं। अब लोगों के साथ भैया प्लाट मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले संजय ग्रुप के भैया एक गुर्गे को धर दबोचा गया। क्या नाम से धार था, देखो भैया हमारा गुर्गा नहीं मुर्गा लग रहा था सकल देख से बगदा मुंडी गुजर के खड़ा था कि काप था, धर दबोचा गया। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। देखो भैया हमारा मुंह बनाया खड़ा था, हमने कहा बता दें आपको। फिलहाल चौथी खबर देख लेते हैं। हम इनका पहचाने के नहीं पहचाने भैया, ये बगदा सरदार जी हैं, ऊपर से बगदा समाज सेवी भी हैं और पत्रकारों हैं, अधिवक्ताओं हैं। अभी बगदा भूपेंद्र पाल सिंह पूरा नाम लिखते हैं। सैंकी जी भैया सभी को दावत दे रहे थे कि देखो भैया भंडारा है और इनके साथ ही बगदा शोभा यात्रा भी निकालेंगे। तनिक सुनो, 1 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम है। साहिब कवाल सरवन दानी सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव जो कि 5 जनवरी 2023 को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में मनाया जाएगा, उससे पूर्व नगर में शोभा यात्रा निकलेगी जिसका आयोजन श्री गुरु सिंह सभा द्वारा दिनांक 1 जनवरी दिन रविवार को किया गया है। हर जगह लंगर वितरित होगा, हमारे यहाँ भी लंगर का प्रसाद का वितरण होना है जो कि 5 बजे होना है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि आप सभी लोग लंगर में पहुंच के हमको कृतार्थ करें और गुरु महाराज का प्रसाद ग्रहण करें। अब देखो भंडारा होगा, लंगर होगा भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलेगी। प्रसाद में क्या होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो शेयर करते हैं मधुरी का शर्मा सारजू खबर से मिलेगी। दबा दिए बेल आइकन से, बहुत बड़ी खबर थी, हमने कहा बता दें आपको।